नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। अखनूर हमले को बताया आतंकियों की सर्जिकल स्ट्राइक। कहा, हमले में आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप को पूरी तरह से किया नष्ट, 30 जवानों को किया खत्म। नेपाल भारत नोटबंदी संकट का करेंगे समाधान। नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर भारतीय अधिकारियों से बातचीत के लिए नई दिल्ली में है मौजूद। प्रतिबंधित भारतीय नोटों का नए नोट से बदलने के तरीके पर किया जाएगा विचार। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आत्मघाती बम विस्फोट, हमले में 10 लोगों की मौत और 17 घायल, मौके पर राहत कार्य जारी। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना की। कहा, झूठ और गलत आरोपों से हो रहा हूं परेशान, विपक्षी राजनेता देश की प्रगति को चाहते हैं रोकना। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच बढ़ा तनाव। ट्रंप ने रूस संबंधी विवाद को नाजी रणनीति करार देते हुए की निंदा। कहा, मेरी नजर में यह है शर्मनाक। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।